तो दोस्तों नमस्कार, मैं राज सुथार गुजरात भारत से और आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से काम करता है ऑक्सीजन सेंसर गाड़ी के अंदर, ठीक है, और ऑक्सीजन सेंसर कहाँ लगा होता है। ऑटो सेंसर भी उसे बोल सकते हो आप, ऑक्सीजन सेंसर भी बोल सकते हो, ठीक है, शॉर्ट नाम ऑटो सेंसर है इसका। तो इससे क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है गाड़ी में और इसका प्रॉब्लम हो तो क्या क्या करना चाहिए हमें, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो एग्जॉस्ट लगता है हमारा गाड़ी का, साइलेंसर लगता है उसके ऊपर लगता है इंजन के नजदीक में, ठीक है। पहले कोई कोई गाड़ियों में दो या तीन भी लग सकते हैं, ठीक है, थीके? उसके लिए सबका नाम ऑटो सेंसर, पहले जो साइलेंसर के पास में रहेगा वो ऑटो सेंसर रहेगा और जो साइलेंसर के बीच में लगा रहता है उसके बाद में दूसरा लगा होता है उसको ऑटो सेंसर टू भी बोल सकते हो आप, कैटलेटिक कन्वर्टर के पास लगा रहता है, ठीक है। तो इस तरह से ये दो अलग अलग नामों से जाना जाता है, ऑटो सेंसर या ऑक्सीजन सेंसर। तो ये क्या काम करता है गाड़ी के अंदर, तो गाड़ी के जो पहले लगा रहता है उसका ऑटो सेंसर जो पहला लगा रहता है वो ऑक्सीजन को सेंस करता है गाड़ी के अंदर, जो गाड़ी चालू रहती है तो उसके अंदर जो धुआं निकलता है तो उसके साथ साथ ऑक्सीजन भी निकलता है। वो कितनी मात्रा में निकलता है, अगर ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन निकल रहा है तो गाड़ी के अंदर कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, तो वो प्रॉब्लम रहेगी तो ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन निकलेगा, और कम मात्रा में ऑक्सीजन निकल रहा है तो गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिमिटेड मात्रा में रहता है तो उसका कोई टेंशन नहीं। और इसका काम यही है कि ये कितनी मात्रा में ऑक्सीजन निकल रहा है वो सेंस करता है और उसके बाद ECM को सिग्नल देता है और ECM उसको कम या ज्यादा फ्यूल देके, ज्यादा ऑक्सीजन निकल रहा है तो थोड़ा बहुत ज्यादा फ्यूल देगा और उस हिसाब से जो अंदर ब्लास्ट नहीं हो रहा होगा, पिस्टन के ऊपर जो ब्लास्ट होना चाहिए वो कम हो रहा होगा तो उसके हिसाब से वो डेटा भेजता रहता है और उसके हिसाब से गाड़ी का परफॉर्मेंस ECM अपने आप ही सेटिंग कर देता है। तो यही काम है इसका कि ऑक्सीजन को सेंस करता है, ठीक है। अभी ये खराब होगा तो गाड़ी में क्या प्रॉब्लम आएंगे, एक तो काला धुआं देगी गाड़ी, खराब हो जाएगा था, फिर गाड़ी थोड़े बहुत झटके भी लेती है इससे, ठीक है। और तीसरा प्रॉब्लम इसका खास यही होता है कि गाड़ी का जब भी ये ऑक्सीजन सेंसर खराब होगा तो गाड़ी एवरेज नहीं देगी, एवरेज इसका कट जाएगा, माइलेज कट जाएगा, ठीक है। तो गाड़ी का एवरेज के हिसाब से वो आपको इस चीज को भी ध्यान में रखना होगा। तो ये तीन चार प्रॉब्लम इसके है। अभी इसको खराब है तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले चेक इंजन लाइट आ जाएगी और इसका फॉल्ट कोड आ जाएगा गाड़ी के अंदर, ठीक है। तो फॉल्ट कोड आ जाएगा तो इसका वायरिंग के अंदर देखना है आपको, जो ECM से वायरिंग आ रहा है उसको चेक करना है। उसमें एक में सिग्नल आएगा, चार वायर लगे रहते हैं इसमें, एक में सिग्नल आएगा और दो ग्राउंड है, ठीक है, दो ग्राउंड है, उसमें से दोनों दोनों ग्राउंड में से ग्राउंड ही आएंगे दोनों, और दो मेन टाइप है, एक सिग्नल रहेगा एक 12 वोल्ट मेन रहेगा। तो इस चीज को चारों वायर कंप्लीट चेक कर लेने, वायरिंग अगर ओके है तो इसको ऑक्सीजन सेंसर को हमें चेंज करना होता है और चेंज करके फिर इसका फॉल्ट कोड निकल जाएगा तो ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये इसी तरह से काम करता है, ठीक है। उसके लिए आपको मल्टीमीटर से इसको चेक करने की जरूरत भी नहीं है, आपको मल्टीमीटर से इसका पता भी नहीं चलेगा क्योंकि ये मल्टीमीटर से इसमें चार वायर रहते और ये काम अच्छे से नहीं दिखाएगा कि ये कैसे खराब है ये, तो आपको इसको चेंज करके ही चेक करना होगा। ये मैंने सब चेक किया हुआ है उसीलिए आपको बोलता हूँ, ठीक है। तो इतना ही था दोस्तों वीडियो में, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।